आदमी था जिसका नाम था माइकल, और वो एक अपने लिए बहुत आलीशान सा घर बनवाता है और उसपे वो बहुत सुंदर सा पेंट कराता है, फर्नीचर कराता है, लेकिन देखता है कि धीरे से उसके घर में क्रैक्स आने लग गए हैं। वो और भी महंगे पेंट्स कराता और भी ज़्यादा क्रैक्स आने लगते। उसे लगता कि अरे यार, ये पेंट में प्रॉब्लम है कि मेरे घर में प्रॉब्लम है। धीरे से पता चलता कि उसके घर में प्रॉब्लम नहीं है, उसके घर के बेस में प्रॉब्लम है। जिस समय उस घर में उसके बेस को अच्छा करने का था, उसमें उन्होंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया और खर्चा कराते गए कराते गए कराते गए। यही होता है जब आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो और आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होता है और आप हाई फाई किताब कोर्सेज ये चीज़ें करने लग जाते हो। इसलिए मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू स्टार्ट सी एन शंकर राव पेज बाय पेज फ्रॉम स्टार्टिंग। सो देयर वी गो, और इसके बारे में मैं डिटेल में आपको समझाने वाली हूँ। सो लेट्स गेट इन द वीडियो। Welcome back to my channel, Basically Felicia. If you're new to my channel, then do like, share and subscribe and please press the bell icon so that you will be notified each and every single time I'll be online. और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ किताब सी एन शंकर राव की प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें ये किताब पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, ये तो UPSC वालों के लिए किताब है, या फिर ये किताब तो बहुत बेसिक है, सिर्फ BA और MA तक के लिए काम आती है। तो एक चीज़ मैं बहुत आपको अच्छे से बता दूँ, अगर आप लोग अपनी सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं, चाहे वो UGC नेट के लिए हो, चाहे वो MA एंट्रेंसेस, चाहे वो JNU BHU इस तरीके का हो, या फिर PhD एंट्रेंस होता है, MPhil एंट्रेंस होता है ना, आपका UPSC का एग्जामिनेशन होता है, सबका एक फंडा, एक रूल है, आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। एंड आपका बेसिक्स क्लियर करने के लिए जो सबसे बेहतरीन किताब है, दैट इज CN शंकर राव। ये किताब को आप अच्छे से देख लीजिए। हाँ जी, दिस इज एस चांद पब्लिकेशन CN शंकर राव प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये आज तक की सबसे बेहतरीन बुक लगी है मुझे। और भी किताब हैं थोड़े हाई लेवल के, लेकिन अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, 450 की ये किताब है, एंड इससे अच्छी बेहतरीन रेफरेंस बुक मैंने आज तक सोशियोलॉजी की नहीं देखी। वेरी इजी, डैम इजी, ठीक है, इतना ज्यादा इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो इस किताब को आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है, सबसे ज्यादा बच्चे जो डरते हैं वो ये है कि 11th 12th के बाद अगर वो BA में कदम रख रहे हैं, ठीक है, या फिर वो MA में इसके बाद आ रहे हैं, तो इसकी जो मोटाई है इस किताब की, ये देखो, दैट इज टू मच। तो इसके कारण से इस किताब को जनरली लोग हाथ नहीं लगाते हैं कि यार इतनी मोटी किताब है, इसको हम लोग खत्म कैसे करेंगे। लोगों का प्रॉब्लम यही है कि वो लोग किताब को ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं। कोई भी जो एग्जामिनेशन है उसमें आपको किताब ख़त्म नहीं करनी होती है, आपको टॉपिक्स ख़त्म करने होते हैं, आपका जो सिलेबस है उसको ख़त्म करना होता है। इसलिए मैंने सोचा एक बहुत ही ज़्यादा इजी चीज़ और अच्छा चीज़ वो ये है कि एक एक करके पेज बाय पेज आपको ये किताब को पहले मैं पढ़ाऊँगी। क्योंकि जब मैंने बहुत बार ट्राई किया UGC नेट का पूरा सिलेबस आप लोग के लिए ख़त्म करने का इस प्लेटफॉर्म पे, मेजॉरिटी ऑफ द वीडियोस मैंने बनाए भी, आप लोग ने बहुत पसंद किया सोशियोलॉजी के वीडियोस। UPSC का मैंने चालू किया, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि आप लोग के बेसिक्स क्लियर नहीं हैं। मतलब कि जब भी मैं मान लो बात कर रही हूँ नॉलेज एंड पावर, तो आपके दिमाग में तुरंत ये क्लिक करना चाहिए, अरे दिस इज़ बाय माइकल फूको, लेकिन ये चीज़ क्लियरिटी आपके दिमाग में नहीं है। ओके, इसलिए सबसे पहले आपका बेसिक्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि यार ये सोशल क्लाइंबिंग किसने दिया, सोशल सिंकिंग किसने दिया, सोशल ग्रुप क्या होते हैं, सोशल चेंजेस क्या होते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन, यूसेजेस, जोकिंग रिलेशनशिप्स, या फिर ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं। आप लोगों को बेसिक्स चीज़ तो क्लियर है कि बेसिक इन द सेंस कि वेरी बेसिक कार्ल मार्क्स, ठीक है, फिर ये थोड़े बहुत मैक्स वेबर के आइडियाज़, ब्यूरोक्रेसी वगैरह, जो भी आपने ऊपर से सिलेबस में देखा है, लेकिन डेरिडा के कॉन्सेप्ट्स, एल्थ्यूसर के कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ए कुहान के कॉन्सेप्ट्स, सदरलैंड के कॉन्सेप्ट्स, या फिर लीला दुबे के कॉन्सेप्ट्स, ये सब आपको क्लियर नहीं है। और इसीलिए मैंने सोचा है कि ये पर्टिकुलर किताब जो है ये कवर कराना ये मेरी जिम्मेदारी है। ओके, ताकि आप लोग की UPSC की प्रिपरेशन बहुत बेसिक से हो सके, क्योंकि अगर आप लोग कोशिश भी करोगे डायरेक्टली सिलेबस को पढ़ने का, तो आपसे वो चीज़ें कवर नहीं होंगी। एंड दिस इज सो ट्रू।
ठीक है, इसीलिए हम लोग अनअकैडमी में वो सारी चीज़ें कवर कराते हैं जो कि थोड़ा सा सिलेबस वाइज होती है, मतलब सिलेबस इन द सेंस कि उसके वाइज होती है, क्या कहते हैं उसे, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होती है, एक पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन उसमें बच्चे एक दिन में 6-6, 7-7 घंटे पढ़ते हैं एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू गाइज बिकॉज यू आर डूइंग दिस ऑन यूट्यूब. आप यूट्यूब पे ये पॉसिबल नहीं होता. एक बच्चा लेट्स से 7 घंटे पढ़ सकता है, दूसरा 2 घंटा पढ़ेगा, तीसरा 10 मिनट पढ़ेगा. इसलिए यूट्यूब पे 10-10 मिनट्स के जो वीडियोज रहेंगे वो हर एक टॉपिक से, इसमें अराउंड बहुत कुछ है पढ़ने को, बहुत ज़्यादा इसमें अराउंड, अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो आई एम टेलिंग यू 60 चैप्टर्स आर देयर. 60 चैप्टर्स जो हैं उसको कंप्लीट करवाने में लगेंगे 6 महीने. ओके, 6 महीने आराम से लग जाएंगे. क्यों? क्योंकि टैलकॉट पार्सन्स के आइडियाज़ ही 5-6 हैं, 5-6 क्या और भी ज़्यादा हैं, लेकिन अब उसे अगर मैं छोटा छोटा कंपाइल करके बनाऊँ तो भी एक एक वीडियो 10 मिनट की रहेगी, क्योंकि मैं अराउंड आधे घंटे या 15 आधे घंटे की वीडियोज़ या फिर 1.5 घंटे की वीडियोज़ को मैं 15 से 20 सेकेंड में जल्दी जल्दी बोल करके कंपाइल करने की कोशिश करती हूँ. तो भी मान लो एक टर्मिनोलॉजी जो है आपकी वो जाएगी अराउंड 15 मिनट, ठीक है. तो टैलकॉट पार्सन्स का अकेले का आइडिया जो है वो 6 दिन जाएगा, ठीक है. तो ऐसे करते करते 6 महीने लग जाएंगे 60 चैप्टर्स कंप्लीट कराने के लिए सीएन शंकर राव. लेकिन ये जो 6 महीने आपके रहेंगे, अगर आप कंटिन्यूस डेली शाम को 7 बजे अगर आप आते हैं डेली शाम को 7 बजे और इस वीडियो को देख करके जाते हैं, तो आपका 6 महीने में जो बेसिक्स है वो बहुत क्लियर हो जाएगा. अगर आप लोग अभी से UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, UGC NET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप अपने अभी BA में हो, MA में हो, 11th 12th में हो, मेरे को नहीं पता आप अपने कौन से उस पे हो, ठीक है, तो आप लोग अपने बैच से बहुत आगे रहोगे, क्योंकि आपके बेसिक्स बहुत क्लियर है, आपके फंडामेंटल्स बहुत क्लियर है, ठीक है. तो ये मैंने डिसाइड किया. शुरू में मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाती हूँ या फिर इसके अकॉर्डिंग पढ़ाती हूँ, लेकिन सब स्टूडेंट्स का बहुत अलग अलग है. यूट्यूब पे, अनअकैडमी पे क्या होता है, लेवल थोड़ा बराबर रहता है, इसलिए हम लोग वहाँ पर प्रीमियम बैचेस अलग चलाते हैं. अगर आपको लगता है कि आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर हैं और आप डायरेक्टली उस कोर्सेज पे एनरोल करना चाहते हैं, देन यूज़ माई कोड sakshi.patel181, ओके, ताकि आप लोग स्पेशल क्लासेस जो होते हैं जो कि फ्री होते हैं उसको अनलॉक कर सको, और बाकी जो paper 1 paper 2 है, सोशियोलॉजी या पॉल साइंस, अब जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उस पर आप लोग एंट्री ले सकते हो इस कोड को यूज़ करके, और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी पे. सो दिस इज समथिंग फॉर द पीपल जो कि ऑलरेडी जिनके बेसिक्स क्लियर है, और जो लोग शुरू से हर चीज़ पढ़ना चाहते हैं, किताब छुई तक नहीं आपने, छूने की ज़रूरत भी नहीं है, एवरीथिंग इज़ देयर विथ मी, ओके. बस आप लोग को डेली आना है 7 बजे, देखो वीडियोस, नोट्स बनाओ. नोट्स बनाना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे ना, तो आई एम टेलिंग यू ये 6 महीने भी बर्बाद जाएंगे. तो लॉकडाउन लग गया है, ये सबका फायदा उठाओ, काफ़ी फायदेमंद है. ओके, थैंक यू सो मच एंड सी यू बाय इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.